हेलो बच्चों, हाउ आर यू? नहीं करेगा कोई बच्चा आपस में फाइट। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइट। कैसे हो आप सब? माय नेम इज अमित जेटी एंड आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी। वेलकम टू लर्न एंड प्रेप। लर्न एंड प्रेप के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लाइट क्या होता है बच्चों? लाइट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ विजन इन आर आईज। लाइट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म होती है जो एक सेंसेशन क्रिएट करती है जिसके कारण हमें ऑब्जेक्ट, हमें चीज़ें दिखाई देने पड़ती लगती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको विजिबल हूँ, इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या बच्चों? लाइट। ठीक है, लाइट मेरे फेस से टकराई और कैमरे में गई और मैं आपको विजिबल हो गया। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बच्चों तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई बता सकता है मुझे कौन कौन सी तीन चीज़ें होती है बच्चों? वो तीन चीज़ होती है, फर्स्ट लाइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस रूम में हैं, ठीक है, इस रूम में एक कैमरा है, मैं हूँ और लाइट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लाइट नहीं होगी तो क्या आप मुझे विजिबल हो गए? नहीं। ठीक है, लाइट है तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। ठीक, सेकंड थिंग जो है वो है कैमरा। अगर कैमरा ही नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, तो लाइट होने के बाद भी क्या मुझे कैमरा दिखाई देता? अगर वो ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा? नहीं ना। और थर्ड थिंग इज हमारी आइज। अगर मैं ब्लाइंड हूँ, ठीक है, तो ब्लाइंड पर्सन को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, चाहे उस रूम में लाइट है, ऑब्जेक्ट है, नहीं ना बच्चों? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, लाइट, ऑब्जेक्ट एंड हमारी आईज। अच्छा, ये बात तो सर समझ में आ गई कि लाइट से हमें ऑब्जेक्ट दिख जाता है, बट इसके पीछे भी बहुत तरह के फिनोमिनाज होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिनोमिनाज परफॉर्म करती है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। क्या ना, क्या टॉपिक है बच्चों? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है बच्चों? द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज और रेज ऑफ लाइट फ्रॉम अ शाइनी एंड स्मूथ सरफेस इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, किसी भी रेज का किसी शाइनी और स्मूथ सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में लौट जाना। ठीक है, किसी भी रेस का किसी शाइनी और स्मूथ सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में लौट जाना, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्त? इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम? लाइट बोलेंगे। ठीक, अच्छा, रिफ्लेक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए देखते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होता है। शाइनी सरफेस को हम क्या कह देते हैं बच्चों? मिरर भी बोल देते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि मिरर आर अ गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, मिरर सबसे अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है बट उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है एज़ कम्पेयर टू मिरर। टाइल्स है, टाइल्स भी रिफ्लेक्ट कर रही है, मेरी इमेज बना रही है बट उतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, किसके कंपेयर में? मिरर के। तो मिरर बहुत अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं, बहुत शाइनी सरफेस होती है। ठीक है, एक लाइट रे इस पर आई, ये लाइट रे आई, इसको हमने क्या बोला बच्चों? इंसिडेंट रे। और इसको हमने डिनोट किया आई से। किससे डिनोट किया? आई से। लाइट रे आई और मिरर से टकराकर उसी मीडियम में लौट गई। मिरर, एक लाइट रे आई, इंसिडेंट रे आई, मिरर से टकराई और उसी मीडियम में लौट गई। जो लौटी उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चों? रिफ्लेक्टेड। जो लाइट रे आई है उसे हमने क्या नाम दिया बच्चों? इंसिडेंट रे। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर हम जो ये सरफेस है मिरर की, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? नॉर्मल। ठीक है, एक लाइट रे आई, सरफेस से टकराई और उसी मीडियम में लौट गई, इस फिनोमेना को हमने बोला रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे आई उसे हमने नाम दिया है इंसिडेंट रे। जो लाइट रे टकराकर वापस लौट गई उसको नाम दिया है रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चों? इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? नॉर्मल। क्लियर? ये रिफ्लेक्शन का पूरा मतलब एक पिक्चर मैंने आपकी सेट की है।
यहीं से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकलेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। लर्न एंड प्रेप को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय बच्चों।